हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा, हम निकल पड़े हैं बंजारा मार्केट के लिए, जो कि है मेरे घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर, क्योंकि मैं हूँ देहरादून से और हम जा रहे हैं गुड़गांव। तो हम निकल गए थे सुबह 7 बजे और लगभग 12 बजे से थोड़े पहले हम पहुँच गए गुड़गांव, सेक्टर 56, बंजारा मार्केट। तो बस बंजारा मार्केट जाते ही हम सबसे पहले हम अंदर हमने एंटर किया, तो हम कारपेट मुझे ज़रूर लेना था, कारपेट, रग्स, ये सब कुछ दिखाई दिए अंदर एंटर करते ही। धूप बहुत ज़्यादा है, मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ ही आया है, इसलिए हम अम्ब्रेला लेके आए हैं, थैंक गॉड, वो हमारी गाड़ी में ही रहता है। तो ये देखिए, ये कारपेट कारपेट बहुत सारी कारपेट की इधर वराइटीज़ मिलेंगी देखने को। स्पेशली मैं इसलिए देखने के लिए आई थी ना, क्योंकि मैंने सुना था कि ये डीमोलिश हो रहा है। यहाँ पे इस तरीके के डेकोर आइटम्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। ये मार्केट आपको देख मतलब बहुत ही ज़्यादा बिखरी बिखरी सी लग रही होगी, अनऑर्गेनाइज। देखो मेरी हस्बैंड की पसंद का मिल गया है। मैंने सुना है क्रॉकरीज के लिए ये और सिरेमिक पॉट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये मार्केट, बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे मिलती है। तो हाँ, बहुत वैरायटी हमको देखने को मिली। वुडन, अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं छोटा मोटा वुडन आइटम, तो वो भी यहाँ पे मिल जाता है, जैसे साइड टेबल, कंसोल टेबल, बहुत सारी छोटे छोटे, या आउटडोर फर्नीचर, वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ये मार्केट हमको बहुत देखने में ना बहुत प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं लग रही थी, क्योंकि बेचारे हमने देखा कि पीछे भी बहुत सारा इनका ना सामान टूटा हुआ पड़ा था। फिर इनसे पूछने पे पता चला तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो न्यूज़ आ रही थी ना कि उन्होंने डिमोलिश किया था, तो हाँ, उन्होंने बहुत सारा इनका सामान डिमोलिश किया है। पीछे बहुत सा इनका क्रॉकरी का, मिरर्स का बहुत सामान टूटा पड़ा हुआ है, आगे ये दोबारा से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं ये मार्केट कब तक चलती है, ये कह रहे हैं कि ये जल्दी शट डाउन हो जाएगी, लेकिन शायद दिवाली तक तो ये चलेगी और इनको ये कहीं और किसी और जगह पे शिफ्ट करेंगे इस मार्केट को। तो ये देखिए, यहाँ पे मोस्टली वॉल डेकोर बहुत सारे मिल जाते हैं, और वॉल आर्ट, वॉल मिरर, आपको वैरायटी बहुत सारी देखने को मिलेगी यहाँ पे। और ये सेंटर टेबल, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, जो भी आप मैगजीन्स में या होम इम्प्रूवमेंट की वीडियोस में देखते हैं ना, तो ये सारे के सारे आपको सेंटर टेबल जो भी लेटेस्ट आपको दिखते हैं, वो सब आपको इस मार्केट में मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। पहले ये प्राइस बहुत ज़्यादा कोट करते हैं, उसके बाद आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। ये देखिए, ये नेक्स्ट शॉप है और वहाँ पर भी लगभग लगभग सेम सामान है, ये सब होम डेकोर के सामान हैं, वॉल डेकोर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इनमें से ये वॉल डेकोर मैंने नहीं लिए, बट हाँ, मैंने आइडियाज़ ज़रूर ले लिए हैं इनसे अपने DIYs बनाने के, ये तो मैं बना ही सकती हूँ एक्चुअली। तो ये देखिए, हम आ गए हैं बड़ा सा कारपेट लेने के लिए। बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे थे, बोहेमियन स्टाइल थे, न्यू ट्रेंडी स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल, और जो वो ज्योमेट्रिक पैटर्न चल रहे हैं ना, वो भी उस तरीके के, बहुत सारी वैरायटी थी। जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो थे ये मार्बल टॉप टेबल्स। मार्बल टॉप टेबल्स इतने खूबसूरत लग रहे थे, नीचे से ये गोल्डन फिनिश में हैं और ऊपर से मार्बल टॉप में हैं। दूसरे ये मेटल्स में भी टेबल्स अवेलेबल हैं, ये नीचे से जो गोल्डन है बास्केट जैसे है ना, ये 2000 रुपीज़ इसका प्राइस कोट कर रहे थे, बट ये मैंने नहीं लिया, तो इसमें मैंने बार्गेनिंग इतनी नहीं की। आगे मैं हॉल भी करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा और किस प्राइस पे ख़रीदा है। तो ये देखिए, ये इस तरीके के मार्बल के नॉब्स भी हैं। अगर आप अपने पुराने फर्नीचर को बिल्कुल नया लुक देना चाहते हैं ना, तो जस्ट अगर आप ये नॉब्स भी चेंज कर देंगे, तो बिल्कुल आपके फर्नीचर को नया और ख़ूबसूरत लुक मिल जाएगा। आगे चलते हैं ये फुल लेंथ मिरर की तरफ। ये कितने का है? तो इन फुल लेंथ मिरर का प्राइस इन्होंने 3500 कोट किया था।
लेकिन क्योंकि मैं इतनी दूर से गई हूँ और मिरर के टूटने का खतरा है तो मैंने ये तो नहीं लिया, बट हाँ बार्गेनिंग करके मुझे पता चला कि वो 2000 तक तो इसको दे ही देंगे। दिवाली का टाइम है तो ये देखिए लैंटर्न डेकोरेशन का सामान बहुत है यहाँ पे, कुशंस तो इतने पड़े हुए थे ना, लैंटर्न्स भी मैंने आगे ली हैं। आगे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है और मैं आपको प्राइस भी बताऊंगी, प्लस मैं साइड में आपको ऑनलाइन के प्राइस भी बता दूंगी कि वहाँ पे कितने मिल रहे हैं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आगे भी मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाती रहूं। इससे पहले मैं अपने चैनल पे DIYs की वीडियोस बनाती रहती हूं जो होम डेकोर से ही रिलेटेड होती हैं, तो इसी तरीके की वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का हॉल वीडियो कि बंजारा मार्केट से मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज की हैं। तो सबसे पहले जो मैं परचेज करने के लिए गई थी वो थे रग। रग बहुत इम्पोर्टेंट थे और ये सबसे पहले मार्केट के अंदर जाते ही मेरी इन पर नज़र पड़ी, तो ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए थे तो ये बस मैंने ले लिए। ये आप देख सकते हैं ये 3 का सेट है और 3 का सेट उन्होंने पहले वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब 3000 या 3500 रेट बोलते हैं, लेकिन मैंने ये लिया 1000 रुपीज़ में। मुझे लग रहा है कि शायद इससे भी कम हो सकता था क्योंकि मैंने बोला ही 1000 अब वो रेडी हो गए। तो आप ये आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेन कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको इससे भी सस्ते में ये मिल जाए। तो फर्स्ट मेरा परचेज था ये। सेकंड था मेरा ये रग, ये देखिए ये इस तरीके का, ये शिमरी बहुत ही शाइन वाला और बहुत ही ये सॉफ्ट टच वाला, ये बिल्कुल पीच कलर का ये रग है और काफ़ी बड़ा है, मतलब है ये मतलब 2x5 का शायद ये होगा, 5 फीट लंबा, और ये बोला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा था, मुझे बोला उन्होंने 2000 रुपीज़ था, लेकिन ये मैंने लिया है ओनली 600 रुपीज़ में। तो फिर मैंने एक और रग परचेज़ किया। सबसे पहले मुझे यही दरी टाइप के चाहिए थे क्योंकि ये ना वॉश करने के लिए भी बहुत आसान होते हैं, ये इस टाइप का मुझे रग चाहिए था, ये ग्रे कलर का, ऐसे इसमें ये डिज़ाइनिंग है, मैं आपको दिखा रही इस तरीके का ये रग है। और ये 4x6 का है ये शायद, ये भी काफ़ी बड़ा रग है और ये मुझे बाद में मिला, तो ये भी उसने मुझे कोट किया था, इसका प्राइस 1000 रुपीज़ बोल रहे थे, तो ये मैंने लिया है ओनली 500 रुपीज़ में, तो 50% मतलब बिल्कुल आधा रेट इसका हो गया, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया मुझे ऐसा लगता है। फिर ये छोटे छोटे इस तरीके के ये डोर मैट्स हैं, बहुत ही क्यूट हैं, ये देखिए ये इस तरीके के ना, इस पर ये सॉफ्ट सॉफ्ट से पॉम पॉम बने हुए, तो ये इस तरीके के काफ़ी छोटे नहीं हैं, ठीक है इसका साइज भी, और एक ये है ये भी काफ़ी मोटा है, तो आप गेस कर सकते हैं कि ये मैंने कितने में लिया है, इसका वो मुझे बोल रहे थे 400 रुपीज़, तो ये मैंने लिए हैं 100 each, 200 में मैंने ये दोनों ले लिए, तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे राइट। उसके बाद क्योंकि मुझे प्लांटर्स का बहुत शौक है तो आजकल ये बिल्कुल वाटरिंग कैन है ना जो, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये मैंने ली है, ये ऑनलाइन मैंने देखी थी, ये तो बहुत बहुत महंगी आ रही है, 400, 500, 600 पता नहीं क्या क्या इसके रेट है, ये मैंने ऐसी 2 ली हैं, तो ये मैंने ली है ओनली 100 रुपीज़ में। इसके बाद आजकल क्योंकि दिवाली सीजन है, इस तरीके के ये कैंडल होल्डर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे वहाँ पे, इसका भी वो बोल रहे थे 250, बट ये मैंने लिए हैं ओनली 100 रुपीज़ ईच, तो मुझे लगता है ये भी मैंने बहुत अच्छे लिए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का प्राइस मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं मिल रहा है, ज़्यादा बार्गेनिंग की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, तो ये शायद से इसलिए होता होगा कि जो YouTube पे वीडियोस डालते हैं वो
मेरे ख्याल से वो इतनी सच्चाई नहीं बताते, वो कुछ ज़्यादा ही कम रेट करके बताते हैं ताकि हम ये एज अ व्यूअर हम अट्रैक्ट हों और ये वीडियोस देखें। तो एक्चुअल में जब हम उनसे अट्रैक्ट हो के और वहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं और उनसे जब बार्गेनिंग करने लगते हैं ना, बिल्कुल इतना कम रेट बोल देते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं। और इतना मुझे लगा नहीं कि बार्गेनिंग की गुंजाइश वहाँ पे थी बहुत सारी चीज़ों पे। जैसे मैंने बहुत सारी हॉल की वीडियोस देखी हैं तो वो बताती हैं कि यहाँ पे ये 4,000 का पहले इन्होंने बोला और फिर मुझे 400 में दे दिया। तो मतलब हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इतना कम कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारी जगह पे मतलब बार्गेनिंग हुई है, बट बहुत सारी जगह पे इतनी ज़्यादा नहीं भी हुई है। तो फिर आप हमेशा मतलब ब्लाइंडली उन पे विश्वास करके, ऐसा एक्सपेक्ट करके और बिल्कुल ये बंद करके बांध करके मत जाइए कि इतना ही प्राइस में कोई चीज़ मिलेगी। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपकी बार्गेनिंग स्किल्स कैसी हैं या फिर वो जो वीडियो देखा गया है वो सच भी बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, आई डोंट नो। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ कि ये तो मतलब अभी मैंने इसको असेंबल नहीं किया है क्योंकि इस पे बल्ब वो नहीं देते हैं इसके साथ। तो इसको इस तरीके से ऊपर से इस पे बल्ब लगा के इसको ये बिल्कुल ये देखिए ये कितना अच्छा, और ये काफ़ी हैवी भी है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बट उन्होंने चेक कर लिया था, ये वर्किंग कंडीशन में है, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं आपको बता दूँ, मैं आपको पिक भी वीडियो में लगा दूंगी कि सेम एग्जैक्टली सेम ये मैंने ऑनलाइन स्टोर पे देखा है, तो ये कम से कम 1400-1500 का मिल रहा था। तो ये आप गेस कर सकते हैं कि मुझे कितने का मिला होगा। ये मैंने दो लिए हैं, दो मुझे मिले हैं 900 रुपीज़ के। जी हाँ, मतलब 450 रुपये का मुझे एक मिला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने दो दो ले लिए इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं लेने के लिए गई थी और अंदर जाते ही जो होम डेकोर के जो लवर होते हैं ना, और होम डेकोर की वीडियोस हम जैसे लोग जो करते रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है ये मिरर, ये देखिए, ये आपको पूरा शायद नहीं दिख रहा है, ये मैं दिखा दूँ आपको। ये बहुत ही मतलब अच्छे खासे साइज में है ये, 32-33 inches का इसका डायमीटर है। और ये ऑनलाइन भी मिल रहे थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगे थे। 32 जो मतलब मैं सर्च करते हैं और सबसे पहले ये जो लोटस डिज़ाइन वाला जो मिरर आता है ना, वो आता है 1600 से ऑनलाइन शुरू है, और लेकिन इसका साइज़ है 21 inches का डायमीटर है, जबकि इसका है ये सबसे बड़ा है, इसका है 32 या 33 inches का इसका डायमीटर है। तो उसके हिसाब से वो जो सबसे बड़े साइज़ वाला था ना, वो 3,500 का पड़ता है। तो आप गेस कर सकते हैं कि ये मुझे कितने में मिला होगा। तो मतलब ये तो मैं देख के गई थी, इन चीज़ों के रेट में देख के गई थी, तो ये मैं अंदाज़ा लगा सकती थी कि ये मुझे बहुत ही सस्ते पड़े हैं। मतलब यहाँ पर मैं मुझे लगता है कि मैंने बार्गेनिंग अच्छी की है। तो ये मिरर मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिला है। ये मैंने 2-3 मिरर्स ख़रीदे हैं क्योंकि मुझे ये मिला 600 रुपये का एक। जी हाँ, मुझे 600 रुपीज़ में एक मिला है, तो मुझे ये बहुत ही सस्ता लगा ऑनलाइन के हिसाब से, तो ये मैंने ले लिया। लेकिन मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को ये बोलते हुए भी सुना है कि वो 800 इसका कोट करते हैं और फिर इसको 400 में दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने तो मतलब मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, मैंने बहुत सारी शॉप्स में पूछा, 1800 से कम इसको कोई नहीं बोल रहा था। मतलब इनिशियल प्राइस वो 1800 कोट कर रहे थे, फिर उसको 800-900 में ही दे रहे थे। अब आई डोंट नो कि वो मतलब छोटे वाले साइज़ का प्राइस बता रहे थे कि इसी का बता रहे थे, बट वो मुझे कोई भी 400 में तो देने का तैयार नहीं था, और ना 800 रुपये कोई इनिशियल प्राइस कोट कर रहा था। मैंने कम से कम नहीं तो मैंने 5 से 6 दुकानों में या उससे ज़्यादा ही पूछा होगा, बट मुझे किसी ने नहीं मतलब कहीं भी मुझे 400 का नहीं मिला। तो फिर एक लास्ट एक और है आइटम जो कि मुझे लगा कि मैंने सबसे ज़्यादा महंगा ख़रीदा है, पर इतना तो बनता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लास्ट एक और जो मैंने चीज़ ख़रीदी है वो है ये बड़ा सा कारपेट।
ये कारपेट देखिए आप कहाँ से कहाँ, मुझे ग्रे कलर में ही चाहिए था एक्चुअली। तो ये देखिए ये बिल्कुल बहुत ही पूरा एरिया कवर करता है, ये शायद 5x7 feet का होगा, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ये पड़ा है मुझे 2000 rupees का, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा महंगा परचेज़ है। लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी हैवी है। और ये देखिए ये इसमें डबल मैटिंग हो रखी है, ये डबल डबल है, ऊपर से ये डबल है, ऊपर से ये अलग मैट है, नीचे से ये अलग है, तो ये डबल मैटिंग इसमें हो रखी है। ये काफ़ी हैवी है, वैसे ऑनलाइन मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, तो इस साइज़ के कम से कम मुझे नहीं तो 5-6 हज़ार रुपये में मिल रहे थे, तो मुझे अगर 2000 में भी मिल गया तो मुझे ये ठीक ही लगा। अब आप बताइए कि मतलब आप तो जाते रहते होंगे, मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी, वो भी ये रूमर्स मैंने सुने थे कि वो शायद बंद हो रही है, बंद हो रही है, तो मैंने सोचा कि एक बार तो मैं देख ही लूँ, तो इसलिए मैं मार्केट में गई थी। तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये मैंने महंगी ख़रीदी है या सस्ती। वैसे वो इसका इनिशियल प्राइस 6500 समथिंग बोल रहा था। और एक चीज़ मैंने ये भी ख़रीदी है ये मैंने दिल्ली में ही जाके देखा है, वो इतना बुद्धू बनाते हैं ना लोगों को। ये एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लिया है, मैं कुछ और शॉपिंग कर रही थी, मुझे पता नहीं था, उनको लगा कि मुझे शायद पसंद आएगा और उन्होंने मेरे लिए ये परचेस कर लिया। और जो दुकान वाला जो लड़का था ना, उसने उसको ये बैम्बू प्लांट बोल के बेचा है, जबकि ये बैम्बू प्लांट है नहीं एक्चुअली। अगर मैं होती तो मैं कभी ना लेती, बट चलो फिर भी ये 100 रुपये में उसने दे दिया। ये है ड्रेसिना का प्लांट है, ये बैम्बू प्लांट नहीं है। तो आप अगर जाते हैं ना, वो आपको बुद्धू बनाते हैं कि ये देखो बैम्बू प्लांट इतने सस्ते में, तो आप बिल्कुल मत लेना ये, क्योंकि बैम्बू नहीं है, ये है ड्रेसिना। और ये कहीं से भी इजीली किसी के प्लांट से कटिंग करके ये लग जाता है। तो अगर आपको मेरा ये फर्स्ट एवर शॉपिंग एंड हॉल वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वैसे मैं अपने चैनल पे बहुत ही इजी, सस्ते, सुंदर और टिकाऊ DIYs बनाती रहती हूँ। जैसे कि ये मेरे पीछे रखा हुआ बेड साइड टेबल है, ये प्लांटर है, और जो अभी रख के ऊपर जो मैंने आपको कारपेट के ऊपर टेबल दिखाई थी वो टेबल है। तो इसी तरीके के बहुत ही कम खर्चे पे, बहुत ही ईजी से बिल्कुल मैं DIYs बनाती रहती हूँ। अगर आपको भी DIY में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नोटिफिकेशन में ऑल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।